गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लक्की शर्मा गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम घूम रहे हैं, ठंड बहुत हो रही है। तो उधर भाई व्लॉग चालू किया था मैंने, अब देखो सीधा घर पे व्लॉग शुरू किया है मैंने। मतलब क्या है कि वहां पर मेरे को मिल गया था मेरा दोस्त, तो मेरे को व्लॉग बंद करना पड़ गया बाय चांस। यार थक चुके हैं इस जिंदगी से। तो भाई ये देखो मेरे पास आ गया है रॉकी, और आते ही इसने घू चू चा और ये दोनों ही ये देखो डॉग्स ओनर होते हैं ना, मतलब डॉग्स की फैमिली हमारी लाड ही करता रहेगा। आज पता नहीं इतना लाड कैसे आ रहा है इसका, कैसे आ रहा भाई है? अरे अरे चीता, ओ मेरा चीता, दोनों के दोनों आज मुंह चाटने पे लगे, पता नहीं इतना कैसे लाड आ रहा है दोनों को। है आज क्या हो गया दोनों को? मम्मी दोनों के दोनों चाटने पे लगे पड़े मेरे को। यहाँ पे फुंसियां देखो कितनी होगी भाई, सारा मुंह खराब हो गया है। और वो देखो रॉकी जी नहीं सिद्धू जी, और ये रहा रॉकी जी। चलो अब उठ के बाहर चले थोड़ी देर, और देखते हैं मेरा माता क्या कर रहा है। आज है माता का व्रत, तो माता देखते हैं क्या बना रहा है अपने लिए मेरा माता राम। मेरा माता, ओ मेरा माता, क्या बना रहा है मेरा माता? क्या बना रहे हो? वो भुजिया पड़ी है क्या बारीक वाली? तो आप तो टमाटर वाली चटनी खा लोगे? ये बाहर डालती हूँ, लेकिन मैं भुजिया के बिना कैसे खा पाऊंगा? इतनी सी पड़ी है और लानी पड़ेगी, कोई खाई जाएगी, क्योंकि देखो मम्मी ने डाला नहीं है नमक। आज व्रत है तो नमक चलेगा नहीं व्रत में, तो मेरे को लेकिन चाहिए नमक। या मैं ऐसे देखो इसको चटनी बनी ना, ये तो इसमें मैं भुजिया डाल के मिला देता हूँ, हो जाती है सेव टमाटर की सब्जी। मस्त तरी नहीं होती लेकिन कुछ बढ़िया लगती है। अरे दोनों को क्या हो रहा है? अरे दोनों को पागल हो चुके दोनों पागल, इनको अब टॉयलेट करा के लाना पड़ेगा तभी ये शांत होएंगे। तो टॉयलेट करा के फिर आपसे वापिस मीट करता हूँ, मतलब मिलता हूँ। तो भाई इस चॉपर में ना मैंने अभी टमाटर काट के डाले, मैं वो भुजिया वाला मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था कि वो मस्त चीज बनाता हूँ मैं, तो मैंने अभी इस चॉपर में डाले तो हैं, लेकिन शायद तक चॉपर ढंग से चल नहीं रहा। ये देखो ये अटक रहा है ना, ये देखो खींच नहीं रहा ये ढंग से। अब इसमें देख रहा हूँ तो सही से नहीं चल रहा है, अटक क्यों रहा है ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। कोई दिक्कत लग रही है मेरे को इसमें, कोई नहीं अपन बिना चॉपर के ही प्याज खा लेंगे या टमाटर खा लेंगे, बच चॉपर
आई थिंक चॉपर इज नॉट वर्किंग फाइन, टमाटर ऐसे ही काटने पड़ेंगे हमें हाथ से और इसमें डाल दे पड़ेंगे भुजिया। ये रही भुजिया, पापा से नहीं भुजिया मंगा ली, इसलिए का इस भुजिया को भी यूज कर लेने, तो ये टमाटर का तो भुजिया गई। अब इसको ऊपर जाएगी मीठी सॉस, टमाटर और भुजिया मिक्स हो गई है। वैसे तो प्याज भी काटने का मन था लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ कि मन हुआ यार आलस आ गया। तो ये देखो ये मिक्स हो गया टमाटर और भुजिया, इसको ही खा लेंगे अब थोड़ी देर बैठ के अंदर। मम्मी अपना व्रत का खाना खा रही है और मैं इसको खा लेता हूँ, फिर बनाएंगे रॉकी सिद्धू के चावल, रॉकी सिद्धू और सन सबके, ये खा के फिर चावल बनाते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ वापिस से। तो भाई कटोरा बिल्कुल देखो चट कर दिया एकदम, मतलब धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब इसको, इतना तगड़ा चाटा है ना कटोरे को। लेकिन बस वो प्याज की कमी रहेगी, प्याज होता ना तो और मजा आ जाता, अब नहीं है तो यार थोड़ा सा क्या है आलस आ जाता है ना काटने में, आलस आ जाता है और कुछ दिक्कत नहीं है, काटने में आ जाता है आलस। तो मैंने काटा नहीं, अब मैं चढ़ाने वाला हूँ। तो भाई आज का व्लॉग बहुत ज्यादा भयंकर ठंड के साथ में एंड करते हैं। अभी क्या है मैं सुबह व्लॉग एंड कर रहा हूँ, ये मतलब सुबह के टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो गया, अरे मैं टाइम ही नहीं बता रहा, टाइम हो गया है 9:51 और अभी जस्ट मैं बाहर जाकर आया तो मतलब कोहरा चल रहा है ऐसे और ठंड भी चल रही है ऐसे, दोनों चीजें चल रहे हैं। और ये सो रहा है मेरा रजाई में मेरा पारा पारा पुत्र, ये लो, और वो बैठा है अभी अपना ब्रेकफास्ट करके। और एंड कर रहा हूं मैं अब ये व्लॉग, तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग पे मेरे सिद्धू के लिए लाइक कमेंट शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग पर, जब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय जीदा।